हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक डिलाइटफुल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये थिक और स्पाइसी होममेड शेजवान सॉस। इसी कंसिस्टेंसी देखिए, इसे कलर और टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसी शेजवान सॉस जैसा आया है। इसे हम किचन में पड़े सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, जो मार्केट में मिलने वाली शेजवान सॉस से भी ज़्यादा टेस्टी होगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शेजवान सॉस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा यहाँ मैंने सूखे लाल मिर्ची लिए हैं करीब 100 ग्राम। यहाँ मैंने दो टाइप की मिर्ची ली है, ये कम तीखी मिर्च है, इसे बेड की रेड चिली बोलते हैं, और साथ ही मैंने लिए है नॉर्मल लाल मिर्च जो कि ये काफ़ी तीखी है। अगर आप एक ही टाइप की मिर्च यूज करें जैसे कि तीखी वाली, तो आप क्या करें उसके बीज आप निकाल लें, इसे ये थोड़ी कम स्पाइसी रहेगी। अब हमें इनकी डंडियों को तोड़ करके इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगोना होगा, जिससे ये जब हम इसकी सॉस रेडी करेंगे तो आसानी से इसकी सॉस बन जाएगी। तो यहाँ मैंने इन सब मिर्चियों को पानी में भिगो दिया है। हमें पानी उतना ही डालना है जितना कि ये मिर्चियाँ भीग जाएं। अब मैंने इसको गैस पे रख दिया है और इसे हम कुक करेंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। ये देखिए हमारी मिर्ची सॉफ्ट हो चुकी है और अबाउट 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्लेम बंद कर दूंगी। यहाँ मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और ये देखिए हमारी मिर्ची काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इन्हें ठंडा करके इसे मिक्सर जार में डाल करके इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने मिर्चियों को जार में डाल लिया है और जो वो हमारा पानी जो हमने पकाया था मिर्ची को उसे फेंकना नहीं है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अब मैं इसका स्मूथ पेस्ट रेडी करेंगे। इसको यहाँ देखिए मैंने मिर्चियों को पीस लिया है, इसका टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ बन के आया है। ये इसलिए क्योंकि हमने इसको 3 से 4 घंटे भिगोया था, उसके बाद हमने इसे 5 से 10 मिनट के लिए कुक किया था। अगर आप इसको अच्छे से कुक नहीं करेंगे, जब आप पीसेंगे इसको तो इसे मोटे मोटे मिर्ची की पीसेस आएंगे जो कि टेस्ट में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आपको इसी तरह से इसको रेडी करना है। अब मैंने यहाँ पे लिया है हरी धनिया के डंठल जिसको मैंने बारीक कट की कर लिया है, साथ ही लिया है मैंने शुगर, सॉल्ट, जिंजर, गार्लिक, केचप, सोया सॉस और साथ में चाहिए मैंने ऑयल और वाइट विनेगर। सभी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन कर देंगे, उस पर हम कढ़ाई रखेंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम डाल देंगे इसमें ऑयल। यहाँ पे हमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा पड़ता है। यहाँ मैंने अबाउट 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे एकदम फाइन चॉप गार्लिक। इसको हमें एकदम फाइन चॉप करना है, अगर मोटे मोटे पीस रहेंगे तो हमारी जो सॉस है वो अच्छी रेडी नहीं। अब इसे कंटिन्यू हमें मिक्स करते रहना है और फ्लेम हमें यहाँ पे लो टू मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी है। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा कुक करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो हट जाए। अब हम डाल देंगे इसमें जिंजर
फाइनली चॉप्ड जो करके रखे हैं जो हमने, इसको भी हम साथ में मिक्स करके हल्का सा कुक करेंगे। हमें इसे कलर चेंज नहीं करना है, बस लो मीडियम पे हल्का सा कुक करना है और कंटिन्यू चलाते रहना है। अब इस स्टेज पे मैंने डाल दिया है जो हमने हरी धनिया को कट करके रखा था डंठल, उसके उसको डाल देंगे। इनको भी हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। अब जो हमने मिर्चियों का पेस्ट रेडी किया था उसको डाल देंगे। और इनको भी हम मिक्स कर देंगे। और जार में जो साइड में पानी रखा था वो डाल देंगे और फिर इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करेंगे। मैंने देखिए जार में वो पानी डाल दिया है जो हमने रखा था, जो मिर्ची को पकाने से बचा था। और अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारी सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। इसने तेल छोड़ दिया है ऊपर से। इसको हम एक बार मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर डाल देंगे शुगर, साथ ही डाल देंगे सॉल्ट और डाल देंगे सोया सॉस और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने डाल दिया है यहाँ पे टमेटो केचप। इनको भी मिक्स कर देंगे साथ में। अब लास्ट में डालेंगे हम वाइट विनेगर। इससे ये चटनी में जो थोड़ा खट्टापन आएगा और ये काफ़ी लंबे समय तक स्टोर भी रहेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी हमारी चटनी। ये देखिए हमारी होममेड शेजवान सॉस रेडी है। आप इसमें से थोड़ा सा लेकर टेस्ट कीजिए, अगर आपको लगे कि थोड़ा तीखा ज़्यादा है या खट्टापन कम है, इसमें केचप या फिर वाइट विनेगर डाल के इसका टेस्ट बैलेंस कर सकते हैं। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। यहाँ देखिए हमारी शेजवान सॉस ठंडी हो गई है और ये और ज़्यादा थिक हो चुकी है। आप इसे कांच के जार में रख करके काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।